सोजत के बिड़ला इंटरनेशनल स्कूल में 68वीं जिला स्तरीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन सोजत विधायक शोभा चौहान के मुख्य आतिथ्य में हुआ। विधायक चौहान ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए शिक्षण के साथ खेल जरूरी है व संस्कार भी जरूरी है। सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। क्रिकेट प्रतियोगिता में छात्र व छात्रा वर्ग की 66 टीमों ने भाग लिया, जिसमें 19 वर्षीय छात्रा वर्ग प्रथम स्थान, राज्य के उच्च माध्यमिक धौलेरिया शासन 17 वर्षीय में सेंट्रल अकेडमी पाली, 17 वर्षीय छात्र वर्ग DPS पाली प्रथम रही, जिसमें फाइनल मैच में विजयी रही खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल व शील्ड प्रशस्ति पत्र देकर अतिथियों ने सम्मानित किया। वहीं द्वितीय व तृतीय रहे दल को सिल्वर व कांस्य पदक से सम्मानित किया। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर सोजत विधायक शोभा चौहान, समाज सेवी अनूप सिंह लखावत, विकास अधिकारी सुरेश कविया, ACB EO रफीक मोहम्मद, भाजपा के भवनलाल सेरचा, हीरा सिंह, पदम टांक आदि मौजूद रहे। वहीं विद्यालय के MT मदनलाल गहलोत, प्रधानाचार्य आशा राजपुरोहित, सुमित गहलोत व कुणाल शर्मा ने आगंतुकों का स्वागत कर आभार जताया। यहाँ पधारे आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और बच्चों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं, आप कड़ी मेहनत करें, लगन रखें और एक निश्चित आधार बना करके, चाहे खेलकूद हो चाहे शिक्षा हो, प्रत्येक के जीवन में खेल का विशेष महत्व है। प्रत्येक बच्चे को मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई न कोई खेल अपने जीवन में जरूर रखना है, क्योंकि खेलों से मानसिक व्यक्तित्व का विकास होता है, शारीरिक विकास होता है और एक अच्छा मस्तिष्क की सकारात्मक सोच रख सकता है, ताकि आपके स्वस्थ मस्तिष्क में अच्छे विचार आए और व्यक्तित्व के विकास के अलावा आपके जीवन के अंदर भी खेल से कोई ना कोई जो भी आपका पसंद हो वो खेल अपने जीवन में जरूर अपनाएं, क्योंकि ये आधुनिक युग है, मोबाइल का ज्यादा प्रचलन है, इस वजह से बच्चे शिक्षा से थोड़ा वंचित और दूर होते जा रहे हैं। शिक्षा के साथ साथ मैं आपको यह कहना चाहती हूँ कि संस्कारवान शिक्षा भी है। शिक्षा जरूरी है, शिक्षा के साथ संस्कार होना बहुत जरूरी है। अपने बड़ों का, अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का जरूर आप कहना माने और नियमित रूप से थोड़ा अपने समय, अपने शरीर के लिए समय निकाल कर कम से कम आधा घंटा अपने स्वस्थ शरीर के लिए खेल को जरूर दें। अब मैं बच्चों के लिए चार लाइनें कहना चाहूंगी कि जरा मुस्कुरा कर देखिए, दुनिया हंसती नजर आएगी और संसार की अच्छाई देखिए, बुराई भाग जाएगी। पढ़ाई के साथ खेल खेलते रहिए, शरीर में ताकत आती जाएगी। इसीलिए आप सभी को मैं आगामी आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करती हूँ। आप यहाँ पर जिले का नहीं, प्रदेश का नहीं, इंटरनेशनल लेवल तक आप पहुँचे, मैं ऐसी आपको शुभकामनाएं देती हूँ। और बेटियाँ भी गेम्स में बेटों से कम नहीं है। आज कल जो आधुनिक युग है वो प्रतिस्पर्धा का युग है, आज ये बेटी बेटों से कम नहीं है। मैं बालिका शिक्षा पर विशेष रूप से जोर देना चाहती हूँ कि जिस तरह से बेटियां भी अपना परचम लहरा रही है, उसी तरह से आप शिक्षा के क्षेत्र में नए नए आयाम छुए और यहाँ की बेटियां भी, अभी लैपटॉप वितरण पे मैं गई थी, वहाँ पर कम से कम 11 बच्चियों का चयन हुआ नेशनल स्तर पर। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारी यहाँ की बेटियां भी नाम रोशन करती हैं। मैं बेटियों के खेल कूद के प्रति अच्छा तौर प्रदर्शन करने के लिए आप आगे बढ़े, मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की भी कामना करती हूँ, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं। आप लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़े और आप सभी, जरूरी नहीं है कि सभी टीमें जीते, हार और जीत होती रहती है, जो हारने वाली टीम है वो हताश ना। आप कड़ी मेहनत करके अगली बार आप भी अच्छे अंक प्राप्त कर उन प्रतिस्पर्धा के युग में आप भी आगे आए। और मैं कहना चाहती हूँ कि आप सभी विभिन्न स्कूलों से आए, हम खेल के अलावा जो फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, आप भी उसमें जो थर्ड आए वो फर्स्ट आने की कोशिश करें
और मेहनत करेंगे तो जरूर निश्चित रूप से आपका भी फर्स्ट नंबर पे आएगा नाम और इस विद्यालय का नाम रोशन होगा। और आपने इस विद्यालय की जो यादें हैं, आपने गुरुजी ने जो शिक्षा दी है इस विद्यालय से संबंधित, आप उसको अपने दिल में सजोए रखें। और मेरे लिए कोई भी काम हो तो आप निश्चित रूप से, मैं प्रधानाचार्य जी से कहना चाहूंगी। जागरूक टाइम्स के लिए सोजस से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।